ओके हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम वर्मा और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक वाटर पार्क का जो कि है पटियाला में और इसका नाम है ढिल्लो वाटर पार्क। इस पटियाला की लोकेशन में ये एक ही पार्क है। अभी मैं आपको सारी जो इसकी लोकेशन है वो दिखाता हूँ और इसके टिकट चार्जेस क्या है सबकी बात करते हैं। देखिए, इसमें पर पर्सन अडल्ट की के लिए 1000 चार्जेस हैं और अगर बच्चे की हाइट, अगर आपके साथ कोई बच्चा है, अगर उसकी हाइट 4 फुट से नीचे है तो वो फ्री है। अगर 4 फुट से ऊपर उसकी हाइट आती है तो उस वो चार्जेबल है और उसमें अडल्ट जितने ही पैसे लगते हैं। ओके, एज से रिलेटेड ये नहीं है, सिर्फ हाइट को ही यहाँ पे देखा जाता है। अगर 4 फीट से नीचे है तो वो फ्री एंट्री हो जाएगी। ओके, दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादा दूर नहीं है पटियाला की लोकेशन से। पटियाला बस स्टैंड से मात्र 3-4 किलोमीटर ही दूर है और जितना मैंने सोचा था और जो इसका प्राइजेज़ है उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है और वन टाइम गो है। सारी राइड्स है इसके अंदर। अब 1000 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलता है मैं बता देता हूँ। आपको सारी राइड्स मिलती हैं और आपको वाटर पार्क मिलता है। ओके, और इसके बाद अम्यूज़मेंट पार्क मिलता है एंड एक थिएटर है जिसमें 5D की 20 मिनट की एक फ़िल्म दिखाई जाती है। वो तो मुझे बकवास लगी, ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर ये है कि आप फ्री है तो वन टाइम आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वाटर पार्क की, तो वाटर पार्क बहुत अच्छा है। पानी मुझे थोड़ा गर्म मिला, अगर थोड़ा ठंडा पानी होता तो ज़्यादा मज़ा आता। कुछ राइड्स हैं एक दो जो बीच बीच में बंद हो जाती है, शायद वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, पर बीच में चली है तो मैंने उनको लिया है। लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, हाइट जो राइड्स की है वो बहुत अच्छी है, पानी भी काफ़ी खुले डुले एरिया में है और राइड्स भी राइड्स कह रहे हैं, अम्यूज़मेंट पार्क भी काफ़ी अच्छा है। एरिया बहुत बड़ा है, किसी भी तरह की भीड़ की जो फीलिंग है वो आपको नहीं आती है। मैं स्पेशली आपको बोलना चाहूँगा कि संडे को या जब भी वीकेंड्स होते हैं तो आप आना अवॉइड करें। वैसे मज़ा आता है बहुत सारे लोग जब होते हैं, लेकिन आपका नंबर नहीं आता राइड्स में और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैं तो कभी अब कोशिश करूँगा कि ना आऊँ संडे को, क्योंकि बहुत बहुत लोग होते हैं, 500 से भी ज़्यादा लोग हैं। तो पानी की राइड्स में और वैसे भी कहीं नंबर नहीं आता, 1-1 घंटा लग जाता है। अगर आप अदर डेज़ में आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अंदर ही रेस्टोरेंट है और प्राइजेज रीजनेबल है। कुछ लोग जो ड्रिंक के शौकीन हैं उसके लिए अंदर ही दूसरा रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग आराम से ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं, हार्ड ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं खाने का कुछ भी आइटम। और राइट साइड में फैमिली के लिए है, वहाँ पे आप फैमिली के हिसाब से अपनी चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए। दूसरी बात, इस टिकट के अंदर आपको फ्री क्या क्या मिलता है। आपको फूड फ्री नहीं मिलता, लेकिन आपको कॉस्ट्यूम फ्री मिलता है। लॉकर आपको लेना पड़ता है, लॉकर के 200 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं, लेकिन 100 रुपये ही चार्ज होता है, तो 100 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। फ़ोटोशूट वगैरह के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप फ़ोटोशूट कर सकते हो। बहुत अच्छी लोकेशन है, आप देख भी पा रहे हो मेरे पीछे, काफ़ी बड़ा एरिया है। आपको अंदर ही सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगी, खाने के अदर आइटम्स मिल जाएंगे, जैसे पेस्ट्री वगैरह हो गई, पेटीज वगैरह हो गई। ओके, ये सब आइटम आपको मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए, अदर वाटर पार्क से ये बहुत अच्छा है क्योंकि प्राइस वाइज काफ़ी अच्छा है। प्राइस बड़े ही रीज़नेबल है और पटियाला में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो ये बेस्ट है। आप जब भी पटियाला घूमने आए तो जरूर इसको एक्सप्लोर करें। अब मैं एक एक करके फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कि कितनी राइड्स हैं और क्या क्या इसके अंदर आपको मिलता है और जो अम्यूज़मेंट पार्क है उसमें क्या क्या मिलता है। चलिए, एक इस तरह का झूला आपको मिलता है, एक इस तरह का हवाई जहाज वाला झूला मिलता है, एक ये छोटे बच्चों के लिए जो घूमने वाला घोड़े जिस पे आप बैठ सकते हैं वो मिलता है, ये खुला एरिया है, यहाँ पे कॉस्ट्यूम वगैरह मिलते हैं और खाने की चीज़ें मिलती हैं। ये यहाँ पे एक न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन मेन यहाँ पर है। चलिए, वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। चलिए, अब यहाँ चलते हैं। ये रेस्टोरेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये फैमिली रेस्टोरेंट है, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, अंदर भी फुल्ली AC है और यहाँ से आपकी वाटर राइड शुरू हो जाती है। ये वो रेस्टोरेंट है जो ड्रिंक्स करना चाहते हैं उसके लिए ये रेस्टोरेंट है, और जो फैमिली है उसके लिए ये रेस्टोरेंट है। ओके, एक वाटर जहाँ पे आपको राइड्स मिलते हैं ये है, ये छोटे बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ पे कुछ गेम बनाया हुआ है, जो बंदूक से आप गुब्बारों को फोड़ते हैं, ये उस तरह का गेम है। और ये स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे वीडियो चलती रहती है और म्यूज़िक, ये DJ भी काफ़ी अच्छा है। अब तो जाने का समय हो गया है, इन्होंने भी इसको बंद कर दिया है। ये एंट्री गेट है,
आप लिखा हुआ देख सकते हैं फन वर्ल्ड। यहाँ पे वाटर वेव्स आती हैं और ये मेन स्विमिंग पूल है। ये ऊपर वाटर जो रेन डांस होता है ये वो वाला है ऊपर, वहाँ पे फीमेल्स के लिए, यहाँ पे मेल्स के लिए है। अब आगे चलते हैं। ओके अब आगे चलते हैं। ये मेन स्विमिंग पूल जो अभी मैंने दिखाया आपको, ये एक ओपन एरिया है, यहाँ पे सिर्फ बैठने के लिए है। ये एक डिज़ाइन कुछ कह लो आप इन्होंने बनाया है। अब ये मेन जो राइड्स है वाटर राइड जो बड़ी वाली है वही है। मैं इनका बहुत शौकीन हूँ, मुझे हमेशा यही राइड्स लेनी होती है, तो ये काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो, ये देखिए इसमें तीनों हैं, जो ट्यूब से आते हैं, विदाउट ट्यूब आते हैं, और जो एक होल के अंदर से आते हैं वो ये भी है। अभी तो यहाँ 4-5 ही लोग हैं, लेकिन एक टाइम पे 150 लोग थे यहाँ पे। तो संडे को नंबर बहुत, मतलब आपके पैसे इतने वसूल नहीं हो पाएंगे, पर फिर भी मैंने 6-7 बार इस राइड को लिया है। तो वीकडेज में अगर आप आ सके तो बहुत ही बढ़िया है, मज़ेदार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन तीन बड़ी राइड्स के अलावा एक जो बड़ी राइड है वो ये है। इसमें ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप कंधे पे हाथ रख के सीधा फिसलते हुए नीचे आ सकते हैं। और इसी की मैं बात कर रहा था कि ये बीच बीच में बंद हो रही थी, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने कंटिन्यूसली इसको खोले नहीं रखा। तो ये आती है पूरी नीचे तक, बहुत हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी, बड़ी मज़ेदार है ये भी। और एक जो लास्ट एरिया है वाटर का वो ये भी है। ये स्टैंडर्ड मुझे लगता है हर जगह होता है, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। ये जहाँ पे आपको लॉकर की सुविधा और कॉस्ट्यूम की सुविधा मिलती है, खाने पीने के अदर आइटम मिलते हैं जो मैंने पहले बताया था, ये वो रास्ता है। एक साइड में इन्होंने नई ब्रांच एक्सटेंड की है, इसमें पानी नहीं भरा हुआ, नए झूले लग रहे हैं यहाँ पे और इसको बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो इसको कोई किसी ने यूज़ नहीं किया, ये सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक ये ट्रेन टाइप छोटी सी इन्होंने बनाई है, ये पूरे एरिया को कवर करती है लंबे से में, और इसको भी आप ये राइड भी ले सकते हैं। ओके सो बची हुई अम्यूज़मेंट पार्क की जो राइड है वो और मैं आपको दिखा देता हूँ। एक आपको ये छोटे बच्चों के लिए ये मिल जाती है ट्रेन टाइप, स्काई ट्रेन जो मैंने बताया ये जा रही है। मतलब जितनी भी अम्यूज़मेंट पार्क की राइड होनी चाहिए वो है, ये भी यहाँ पे मिलता है, बड़ी अच्छी बात है, ये मुझे पसंद है। इसके बाद एक घूमने वाला झूला कुछ समथिंग डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के साथ, एक ये मिलता है आपको, इसके बाद ये मिलता है। ये मुझे लगता है 9वीं या 10वीं राइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारी राइड्स है। एक ये मछली टाइप है, इसमें लोग बैठे हैं, और सबसे फेवरेट तो मेरी यही है। ये काफ़ी हाइट पे आपको लेके जाते हैं और फिर एकदम से नीचे लेके आते हैं, इसमें काफ़ी थ्रिल है, पर्सनली मुझे ये पसंद है। अब छोटे बच्चों वाली तो मुझे पसंद नहीं है, पर मुझे ये बहुत पसंद है। स्टैंडर्ड राइड जिसको भी आप जानते ही हैं ये भी है, और यहाँ पे कुछ इन्होंने बनाया है, अभी अंदर जाके मैं देखता हूँ कि ये क्या है। ये भी टिकट के अंदर ही इंक्लूड है, कुछ हॉरर टाइप होगा। सो ये यहाँ पे आपकी राइड ख़त्म हो गई। ये हॉरर शो के अंदर इस तरह का कुछ, ये हॉरर शो के अंदर का दृश्य है, पूरा अंधेरा है। इसके बाद बीच बीच में कुछ भूत आते हैं हमें डराने। काफ़ी अंधेरा है अंदर, बीच बीच में लाइटें जलती है, मुझे तो ये फनी लगता है। पर ये भी टिकट्स के अंदर इंक्लूड है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं अभी आगे है, नहीं नहीं अभी आगे है।